प्रॉब्लम 3.2 है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, और ये एक बाइस्ड क्लैंपर है जिसमें जो RIN है वो 1 किलो ओम दी हुई है, जो RL है वो 100 किलो ओम है, C की वैल्यू 0.1 माइक्रो फेरेड है, और जो VBB है वो है उसकी वैल्यू है 10, और जो वी इन है उसकी वैल्यू है 40 sin ωt, ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू जो दी है 2πf = 1000, और डायोड क्या है आइडियल आपने कंसिडर करनी है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखें कि पॉजिटिव हाफ साइकिल है 40 तक जाएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड जो एन साइड है वो देखें ऊपर है, पी साइड डाउन है, तो ये डायोड रिवर्स बाइस हो जाएगा, ठीक है। जब ये डायोड रिवर्स बाइस हो जाएगा तो ये देखें ये ओपन हो गया, अच्छा, और कैपेसिटर अभी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज नहीं होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। देखें ये हमारा ओमेगा दिया हुआ है 2πf, तो एफ़ को हमने इस साइड पे रह देना है, 2π को डिवाइड करेंगे तो ये देखें क्या आ गया, फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई 159.154। तो जो टाइम होता है वो 1/f के इक्वल होता है, टाइम पीरियड कह लें तो वो 6.28 मिली सेकेंड आ गया। अब हमारे पास ये दो हैं, 5 RL C 5 RN C, ये होता है एक कैपेसिटर को फुली चार्ज होने के लिए जो टाइम चाहिए होता है, ये वो होता है 5 टाइम कांस्टेंट्स, तो T = RC होता है, और 5 टाइम कांस्टेंट्स में वो कैपेसिटर फुली चार्ज होता है, तो ये वो टाइम है जिसमें कैपेसिटर फुली चार्ज होता है। तो हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं यूजिंग RL और यूजिंग RN, तो देखें इसकी दो वैल्यूज़ हैं, एक की वैल्यू आई है 50 मिली सेकेंड, एक की आई है 0.5 मिली सेकेंड। अब हमारे पास दो कंडीशन है, देखें 5 RL C ये ग्रेटर देन T/2 होना चाहिए, यानी कि हाफ से ज़्यादा होना चाहिए हाफ साइकिल से, और दूसरी कंडीशन है कि 5 RN C ये लेस देन होना चाहिए T/2। तो दोनों कंडीशंस देखें, टी की वैल्यू हमने यहाँ फिट की तो ये आ गया 3.14, और 50 मिली सेकेंड ज़रा बहुत बड़ा है 3.14 मिली सेकेंड से, ये भी ट्रू होगी, दोनों कंडीशन ट्रू होगी, तो पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है हमारा ये वेस्ट हो जाएगा और कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं होगा, और डायोड इसमें ओपन सर्किट हो जाएगा, कंडक्ट नहीं करेगा, और वो वेस्ट हो जाएगा। अब आ जाए नेगेटिव साइकिल पे, जब नेगेटिव साइकिल होगा तो डायोड क्या हो जाएगा, कंडक्ट करेगा, और देखें और कैपेसिटर अब इस डायरेक्शन में चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ माइनस। अच्छा, शुरू में क्या होगा, देखिए यहाँ जब ये प्लस साइड अब हो गई है, यानी कि नेगेटिव पोलैरिटी हुई है, तो ये प्लस साइड आ गई है, वो 0 वोल्ट 1 वोल्ट 3 वोल्ट, ठीक है जी, ये जब देखें ये दोनों एडअप हो जाएंगे, इन अदर वर्ड्स ये सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो ये प्लस और प्लस एडअप नहीं होंगे बल्कि सब्ट्रैक्ट होंगे। अगर हम देखें KVL लगाएं और हम देखें यहाँ से स्टार्ट कर लें, तो देखें माइनस VC माइनस VBB और प्लस VMAX = 0। अपने निकालना है VC निकालने के लिए ये बाकी दोनों चीज़ों को साइड पे ले जाएं, तो ये VCC की वैल्यू आ गई 30 वोल्ट, 40 - 10 = 30 वोल्ट। अब आ जाएं, अब आपने आउटपुट फाइंड आउट करनी है, आउटपुट तो माइनस VC प्लस VOUT और यहाँ पे प्लस VMAX, देखें ये, तो इसमें से जब VOUT आप हम एक साइड पे रखेंगे तो हमारा आंसर देखें क्या आ जाएगा, -10 वोल्ट। अब पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल आपका ज़ाया हो गया था, अब आप सेकंड पॉजिटिव हाफ साइकिल पे आए हैं, तो उसमें देखें आपकी पोलैरिटी ये दोबारा प्लस हो जाएगी, कैपेसिटर चार्ज हो चुका है और अब ये एज आ DC सोर्स काम करेगा, और इस पर कितना चार्ज आ गया था 30 वोल्ट का, प्लस साइड ये थी और माइनस साइड ये थी।
अब देखें ये प्लस है और ये माइनस है, तो दो बैटरीज एज एडअप के तौर पे काम करेंगी। तो ऐसे समझ लें कि दो दो सोर्सेज सीरीज में अटैच हैं। तो अब हमारी आउटपुट क्या होगी, और डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड ओपन हो जाएगा। अब हमारी आउटपुट क्या होगी, तो देखें अगर हम ये इस डायरेक्शन में चलें तो माइनस वी सी, माइनस वी सी, ये प्लस वी नॉट। ये पॉजिटिव सेकेंड हाफ साइकिल है, इसमें यहाँ प्लस होगा पोलैरिटी और यहाँ माइनस होगी। जब यहाँ पोलैरिटी प्लस होगी तो डायोड ओपन सर्किट हो जाएगा क्योंकि एन साइड ऊपर है। डायोड ओपन सर्किट होगा कैपेसिटर क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल में चार्ज हो गया और इस साइड पे इस डायरेक्शन में करंट था, तो ये साइड होगी प्लस। तो वी सी एज अ वोल्टेज सोर्स एक्ट करेगा। अब हमें अगर आउटपुट ये मालूम करनी है, हम केवीएल लगाते हैं, माइनस वी सी, माइनस वी सी, प्लस वी नॉट, प्लस वी नॉट, और यहाँ से जब यूँ गए तो ये देखें माइनस का निशान आया, तो माइनस वी मैक्स इक्वल टू ज़ीरो। वी नॉट चाहिए तो ये दोनों उस साइड पर चल जाएंगे, तो प्लस वी वी मैक्स और प्लस वी सी। वी मैक्स की वैल्यू क्या है, 40, और वी सी की वैल्यू है 30, तो ये 70। इसका मतलब है सेकेंड पॉजिटिव हाफ जब साइकिल आएगा तो आउटपुट कितनी होगी, 70 वोल्ट आ जाएगी। और नेगेटिव हाफ साइकिल जब होगा तो आउटपुट देखें क्या है, माइनस 10। तो ये हमारी आउटपुट वेव फॉर्म आ गई।